हाय एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी चावल की खीर की रेसिपी। अगर आपको अचानक मीठा खाने का मन करे और वो झटपट से बन जाए तो ये खीर की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये खीर आज हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। 15 से 20 मिनट में ये खीर बनके तैयार हो जाती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल भिगो देंगे। ये 1/4 कप चावल है, इसे हमें पानी में भिगो देना है। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे वॉश करके भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप हाफ एन आवर इसको पानी में रख सकते हैं। अगर आपके पास वो कप नहीं है तो इस चम्मच से मैंने 4 चम्मच चावल यूज़ किया है। आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, मैं बासमती चावल यूज़ की हूँ क्योंकि इसकी खुशबू खीर में बहुत अच्छी आती है, बट आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। इसे 1-2 पानी से अच्छे से वॉश करके आधे घंटे तक के लिए छोड़ दें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी खाना है, तो आप बस वॉश करें और इसे बनाना स्टार्ट कर दें। तो मैंने इसे हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फुल क्रीम मिल्क अगर रहेगा तो खीर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे बॉईल कर लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने मिल्क को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हम एक बार उसको अच्छे से हिला देंगे। जिससे वो बाहर ना आए। अब क्या करेंगे ना, हम इसमें से मिल्क बाहर निकाल लेंगे। आप सोचेंगे कि मैं मिल्क क्यों निकाल रही हूँ, स्टार्ट में है ना हम कम मिल्क डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालोगे ना तो प्रेशर कुकर में मिल्क बाहर आने लगेगा और कुकर और गैस दोनों ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा मिल्क यूज़ करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लें, कुछ सेकंड के लिए मिलाना है। एक बार अच्छे से बॉईल कर लेंगे चावल और मिल्क को। चलिए अब प्रेशर कुकर के लीड को लगा लेंगे और हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक इसे हाई फ्लेम में रखेंगे, और फिर 7 से 8 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम में पकाएंगे। फ्लेम बंद कर दिया है मैंने और प्रेशर को रिलीज़ भी कर दिया है। ये बिल्कुल बाहर भी नहीं आया इसका मिल्क, और चावल भी अच्छे से गल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें जो बचा हुआ दूध हमने निकाल के रखा था ना, वो डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको दूध कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे ना, अब हम इसमें 1/4 के करीब मिल्क मेड ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप अपने घर की मलाई, जो फ्रेश मलाई है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम मिल्क पाउडर डालेंगे, ये भी 1/4 के करीब ऑप्शनल है, और ये इलायची पाउडर। पर अगर आप डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बस इसे डाल के अच्छे से मिला लें मिल्क में। इसके डालने के बाद खीर एकदम क्रीमी क्रीमी दिखने लगेगा आपका। बस 1 से 2 बार इसे चला ले। अब नेक्स्ट में क्या करना है ना, इसमें हम शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे, वो भी 1/4 के करीब है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 1/4 कप के करीब डालेंगे, और इसे बस मिला ले। बस ये है कि खीर को छोड़िएगा मत, चलाते रहिएगा, नहीं तो वो नीचे से जल जाएगा या सड़ जाएगा। 5 से 10 मिनट तक बस इसे चलाएंगे। देखिए ये कितना क्रीमी हो गया है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। इसे डाल के एक बार अच्छे से मिला लें। चलिए इस खीर को और टेस्टी बनाते हैं। एक पैन ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच के करीब शुगर डालिए और उसे चलाते रहिए जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए। थोड़ा देर के बाद देखिएगा ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और गैस के फ्लेम को आपको लो रखना है। इससे क्या होगा, आपका शुगर मेल्ट होने लगेगा।
शुगर मेल्ट होना शुरू हो गया है, बस हल्का हल्का सा चलाते रहें इसे। ध्यान दीजिएगा, कलर हमें थोड़ा सा डार्क चाहिए, बस बस इस टाइम पे हमें फ्लेम को बंद कर देना है। ऐसा ही कलर चाहिए हमें। अब हम इसे ध्यान से पोर कर देंगे खीर के ऊपर। इससे क्या होगा ना, खीर का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और खीर का टेस्ट भी बहुत यम्मी हो जाता है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको ये इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है तो आप केवड़ा यूज़ कर सकते हैं, आप केसर भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो आपका दिल है आप वो उसे यूज़ कर सकते हैं। खीर बनके बिल्कुल तैयार है ना, झटपट सा बनके तैयार हो गया। इसे कोई भी बना सकता है, बिगनर या फिर जो हॉस्टल में रहते हैं वो भी आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।